आप सभी का स्वागत है हमारे बॉलीवुड पैसेंजर में। आज हम बात करेंगे 2018 मूवी ने बना दिया फिर से एक नया रिकॉर्ड। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी के बाद एक और कम बजट वाली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस का धमाल मचा रखा है। मलयालम फिल्म 2018 बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। फिल्म 2018 की कमाई के मामले में बॉलीवुड की कई फिल्में पीछे छूट गई है। फिल्म ने कुछ ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का आंकड़ा पार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 2018 को बनाने में महज 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितने करोड़ की कमाई की है। साल 2022 में साउथ की जाने माने स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। इसके बाद अब एक साउथ की कम बजट वाली फिल्म मेकर्स का पैसा डबल कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 2018 ने 25 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर ली है। फिल्म ने इसी के साथ एक और रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ पाना काफी मुश्किल है। टॉमिन थॉमस की लीड रोल वाली फिल्म 2018 मलयालम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म 2018 ने मोहनलाल की फिल्म पुलिन मुनन को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म की कमाई के ये आंकड़े देखने के बाद हर कोई हैरान नजर आ रहा है। फिल्म की कमाई के आंकड़े में मेकर्स बहुत खुश नजर आ रहे हैं। टॉमिन थॉमस, आसिफ अली, अपर्णा बरमुली और विनीत श्रीवासन की फिल्म 2018 बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई। लोगों को इस फिल्म की कहानी काफी पसंद आ रही है। फिल्म साल 2018 में केरल पे आई बाढ़ पर आधारित है। इस फिल्म में बाढ़ से जुड़ी ऐसी वास्तविक घटनाओं के बारे में दिखाया गया है जिसके लोग हैरान है देखकर इस फिल्म को। फिल्म 2018 को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।